जूना रिसाला क्षेत्र में 100 साल से अधिक समय से निवासरत हिंदू मुस्लिम परिवार के लोगों को बेवजह परेशान करने और करोड़ों रुपए कीमत की जमीन पर कब्जा जमाने की नियत से करीम खान नामक युवक ने आसिफ मंसूरी को अपना किराएदार बनाकर नगर निगम में शिकायत कराई कि हमारा मकान जर्जर स्थिति में है, जिसमें कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि यहाँ बने हुए कच्चे पक्के मकान ठीक ठाक हैं और 6-7 परिवार से ज्यादा परिवार यहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो बात निकल कर सामने आई है वह यह बात है कि करीम खान यहाँ के बजाय सिकंदराबाद कॉलोनी का निवासी है और यहाँ पर भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम रखते हुए 4-4 पीढ़ियों से रह रहे गरीब परिवारों को बेवजह बेघर करने और बेशकीमती जमीन डरा धमका कर हथियाना चाहता है। इस संबंध में दीपक मोहबिया पिता जगदीश मोहबिया और पुष्पा मोहबिया ने बताया कि हम वर्षों से उपरोक्त स्थान पर निवास कर रहे हैं। पिछले 2 माह से हमारे निवास स्थान के पास करीम टिंगू नामक व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहा है। हमारे मना करने और समझाने पर टिंगू हमारे आने जाने के रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। साथ ही हम लोगों के घर के पास में पेड़ को भी काटने का प्रयास किया जा रहा है और वहीं किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है और साथ ही प्रार्थीगण और उसके परिवारजनों को डराया और धमकाया जा रहा है तथा कहा है कि अगर तुम लोगों ने निर्माण कार्य करने से मुझे रोका तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। साथ ही प्रार्थीगण ने माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने की बात भी बताई है और घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात भी सामने बताई है। मेरा ये कहना है कि जो करीम खान द्वारा बताया जा रहा है कि ये चौल जर्जर हो रही है, इसको तोड़ा जाए, नगर निगम में आवेदन दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत मकान बताया जा रहा है। यहाँ पे जर्जर हालत में जो बताया जा रहा है, हमारे मकान बिल्कुल ठीक हैं और ये केस हमारा न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी हमें धमकियाँ मिल रही है। 29/6/2022 में केस मैंने लगाया है, जिसके चलते मुझे व मेरे परिवार को बिल्कुल धमकी मिल रही है और इसमें हमें जान माल का भी खतरा है। कितने मकान हैं यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर? अभी फ़िलहाल में 17 किराएदार मौजूद हैं। किराया लेते हैं आपसे वो? नहीं, किराया नहीं, हमें मौखिक दान किया गया था ये, उसके बाद में फिर हम इसका टैक्स भर रहे हैं रेगुलर। हमारे द्वारा नगर निगम में टैक्स, नल का, बिजली बिल सब भरा जा रहा है। हाँ, 1 लाख रुपये करीब हम भर चुके हैं नगर निगम में, जिसकी ओरिजिनल रसीद है हमारे पास है। हम सन 2005 से टैक्स भर रहे हैं और इसी के चलते न्यायालय में मैंने केस भी दायर किया है, जिसके जब से केस दायर किया जब से मुझे लगातार धमकी मिल रही है। क्या लगता है क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये? इनके विचार में इसमें ऐसा कुछ है इनका कि जैसे हम इसको तोड़ के मल्टी बनाएंगे, इसको जर्जर हालत में घोषित करके हम यहाँ से जितने भी रहवासी हैं इनको यहाँ से भगा के हम इसको मल्टी बना के और इसको बेचेंगे। हमारे मतलब पूर्वजों के नाम से मल्टी बनाएंगे, उनके पूर्वज इन सभी लोगों को मौखिक दान कर चुके हैं। आपने इस मामले में कोई कानून कार्रवाई की? बिल्कुल की है, कोर्ट में 24 नंबर कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। हमारे 3 झाड़ काट चुके हैं ये, जिसका हमने नगर निगम में कंप्लेन की है, उसकी मेरे पास में वीडियो वगैरह सब मौजूद है। ये 3 झाड़ का भी मैंने उसमें धमकी की भी बात सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, धमकी पुलिस कंप्लेन की है हमने, CSP साहब को भी बताया है। कौन से थाना क्षेत्र? हाँ, अपने सदर बाजार थाना क्षेत्र में। क्या बोल रहे हैं पुलिस? हाँ, पुलिस ने बोला हम देखते हैं और हमने भी काफ़ी कंप्लेन की है, बाहर का बता रहे हैं कुछ लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं और अवैध कब्जा करा, अवैध कब्जा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या करोगे आगे? अब हम आगे बस आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि जो कमिश्नर सर हैं और अपने CM साहब हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इसमें कानूनी कार्रवाई करके और हमारी मदद करें और हमारी जान माल की रक्षा करें। आपका नाम? बस हम निवेदन करते हैं उनसे। मेरा नाम मोहम्मद अकील, 77/2 जूना रिसाला का रहवासी। दीपक मोहबिया है और यहाँ मैं कम से कम 100-150 बरस से मेरे बाप दादा रहते आ रहे हैं और मैं भी करीबन 30 से 31 साल का हो गया हूँ और यहाँ पर कोई जान का खतरा नहीं है। मेरा पक्के मकान बने हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि कबीलू के घर थे तो उसमें क्या पानी छूता था, पानी छूने के बाद में क्या हुआ कि पानी छूते छूते हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो हमने चद्दर सेट डलाने के बाद में अब हमको कोई जान का खतरा नहीं है और खतरा भी बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा ये हमको फोकट ही परेशान कर रहा है, हमको जान से मारने की धमकी देता, गाली उपता करता हमारे परिवार को और हमारे भगवा रंग के झंडे लगे रहते हैं, हम हिंदू लोग हैं
और झंडे निकाल के फेंक देता है और हमेशा जान से मारने की धमकी देता है। मेरी दुकान विजयनगर पर है, बोलता है कि वहाँ पे आके हम तुमको वहाँ मार देंगे और ये कर देंगे। आपस में यहाँ रहते हैं भाईचारे से, आपको तो आपस में हमको आपस में कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ हमारा पक्के मकान बने हुए बिल्कुल सही साठ है, हम सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप हम जैसे सुरक्षित थे और वैसे ही रहे, वो कोई दिक्कत। बुद्धि का कप्तान थे यहाँ पे के जो मालिक थे दादा, वो वहाँ पे अब नहीं रहे वो इस दुनिया में, वो तो चलेगा दान धर्म में देख के चलेगा हमको। अब ये कौन व्यक्ति है करीम खान, हम इसको नहीं जानते, और यहाँ पर आकर ये विकास कर रहा है, यहाँ पर आकर निर्माण कर रहा है, तो ये हमको नहीं पता कौन है। यहाँ पे आके हमको परेशान कर रहा है कि आपने जो मांगे रखी है कानूनन, और यदि नहीं होता है पूरा आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि हम चाहते हैं कि अच्छे से यहाँ पे रहें, वो कोई दिक्कत नहीं दे। हमारे पिताजी हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक मोहबिया। हमारे दादा ससुर यहीं थे, जिंदा थे, हमारे दादी सास थी, हमारे ससुर की शादी यहीं हुई थी और मैं शादी होके यहीं आई, और हमारे ससुर का भी जन्म यहीं हुआ है। और तो बहुत परेशान करता है हमको, आता है गाली गुप्ता करता है और कहते हैं कि चमार लोग निकलो, चमट्टे हो बोले यहाँ से, और बोल हमारी बहू बेटी रहती है हमारे घर में, और हमारे घर के यहाँ दिल्ली के खड़ा हो जाता है और वीडियो बनाता है, वो गाली गुप्ता करता है, कहते हैं निकलो बोले चमार लोग, वो झंडे अंडे रहते हैं ना हमारे मकान मालिक, वो क्या नाम है, करीम खान कहीं यही के रहने वाले हैं, यही रहते हैं बिस्ती मोहल्ले के, इधर तीन नंबर गली में रहते हैं। और ना झंडे अंडे हमारे जो रहते हैं ना बजरंग दल के, जो हमारे इधर के सबके, तो वो झंडे निकाल के फेंक देता है हमारे यहाँ के, बोले हटाओ ये झंडे फंडे, बोले चमार लोग निकलो यहाँ से। और एक भी नहीं थे मतलब, सब हम लोग सब बहुत जिंदगी निकल गई हमारी, यहाँ थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, तो वो कह रहे हैं निकलो यहाँ से, बोले यहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ अच्छे मकान बने हमारे, और झूठ बोल रही है कि ये मकान टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, और हमसे कहता है इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो, हम कहते हैं हमको नहीं चाहिए पैसे, हमको पैसे का लालच देता है वो। आपका नाम? पुष्पा। कितने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, अभी क्या प्रॉब्लम? मेरे को कम से कम 7 साल होगा। अभी क्या हो रहा है? अभी परेशान हो रहे हैं बहुत। क्या वजह? क्या मकान वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, रहीम खान क्या बोलते हैं इनके, मेरे बच्चे के नाम का बहुत जबरदस्त वो कर रहे हैं, लंबा फंसा दूंगा तो रास्ते में घेर लूंगा, तो इनको चैन से नहीं रहने दूंगा। क्या वजह, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? कार्रवाई की वजह से, मैं बूढ़ी हूँ तो ये बच्चे मेरे पास रहते, इनका भी एक कमरा इस तरफ था। अब कितने साल से जा रहे हो? मेरे को 50-55 साल हो गए, जल के 60 साल। अरे भाई ज्यादा ही हो गए। हाँ वो तो फिर ज्यादा ही हो गए। उम्र देखो, मेरी उम्र देखो 84 साल की। उम्र के हिसाब से बता रहा है, नाम बताओ। फरुन निशा।